वडनगर तहसील के खरसोद खुर्द ग्राम पंचायत क्षेत्र के ग्रामीणों ने नल जल योजना में कथित भ्रष्टाचार की शिकायत कलेक्टर से की है। जन सुनवाई में पहुंचे ग्रामीणों ने कलेक्टर आशीष सिंह को लिखित में शिकायत कर बताया कि नल योजना के निर्माण कार्य में ग्राम पंचायत ने घोटाला किया है। ग्रामीणों ने दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग भी की है। ग्रामीणों ने बताया, हमारी ग्राम पंचायत क्षेत्र में लाखों रुपये खर्च करके नल जल योजना के तहत कार्य किया गया है, जिसके अंदर भ्रष्टाचार और लापरवाही की गई है, इसकी जाँच की जाए। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। नल जल में घोटाला हुआ है, कितने का घोटाला हुआ है, किस प्रकार से, क्या बताइए। ग्राम पंचायत नल जल योजना में बहुत भारी घोटाला हुआ है। पूर्व प्रधान और पूर्व सरपंच तृतीय पाटीदार द्वारा ये घोटाला किया गया है। इसमें 11,43,000 का गमन है। ये पैसे उन्होंने बिना कार्य किए निकाल लिए। किस प्रकार से, कहां पर आप लोगों ने शिकायत की और क्या मांग की और क्या रहा? अभी माननीय कलेक्टर महोदय को हमने आवेदन दिया है कि उचित कार्रवाई की जाए। किस प्रकार से जांच की मांग की और क्या आश्वासन दिया है? कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि बिल्कुल जांच निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी और बहुत जल्दी जाँच भी करवाई जाएगी, दोषियों को सजा दी जाएगी। भाई साहब, कहाँ का यह मामला है, किस प्रकार से, क्या पूरा मामला है, क्या शिकायत की गई है? ये जल नल योजना में मतलब 11,45,000 रुपये का घोटाला है और इसमें कोई भी कार्य नहीं किए गए और पैसे उन्होंने निकाल लिए। फिर किस प्रकार से मांग की आप लोगों ने और किस प्रकार से क्या रहा? मैंने कहा कि सब हमारा जल्दी से जल्दी इसका निराकरण किया जाए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।